सो गाइस आज हम लोग फिर से खेलने वाले शैडो फाइट 2 एंड आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने लिंक्स के फोर्थ बॉडीगार्ड को हरा दिया था एंड आज का हमारा मेजर गोल है लिंक्स के फाइनल बॉडीगार्ड को हराना। एंड आपको ये भी याद होगा कि लास्ट टाइम हमको एक ट्रिक्स्टर नाम का बंदा मिला था जिससे मुझे ये ननचक्स मिले थे। एंड यार सीरियसली बता रहा हूँ ये ननचक्स कमाल के है, मैं इनको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऐसे कुछ मूव्स है इसके अलग अलग, एक ये मूव हो गया एंड ये वाला जो कूद के मारता था ना ये मेरा फेवरेट है। एंड साथ ही साथ ये देखो और भी बहुत सारे मूव्स है। बाय द वे गाइस अभी हम मैप में आ चुके हैं एंड एक बार मेरे कॉइन्स पे नज़र डालो, मेरे पास 8000 कॉइन्स है एंड 50 के अराउंड जेम्स है। तो कॉइन्स मैंने सर्वाइवल से इकट्ठे किए एंड जेम्स मैं एड्स देख रहा था 2-3 दिनों से, तो उससे मेरे पास जेम्स आ गए थोड़े बहुत। खैर गाइज यहाँ पे थोड़े और जेम्स मिल रहे हैं, इनको कलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखो गाइज अभी मैं लिंक्स के बॉडीगार्ड को नहीं हरा सकता, यहाँ पे इम्पॉसिबल बता रहा है। ठीक है ये फाइनल बॉडीगार्ड है लिंक्स का, अभी हम इसको नहीं हरा सकते, तो एक काम करते हैं हम टूर्नामेंट खेलते हैं क्योंकि ये सब इजी बता रहे। तो चलो गाइस टूर्नामेंट खेलते हैं, यहाँ पे मैं फाइट पे दबा देता हूँ। सो यहाँ पे ये फाइट शुरू हो चुका है, ये जस्टर नाम का कोई आया है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ननचक्स कैसे वर्क करते हैं। सो चलो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि अटैक स्पैम ना करूँ, इसलिए एक एक मूव करूँगा। एंड इसने भाई पहला स्ट्राइक मार दिया, रुको ओके, तो मैंने एक हेड हिट दिया उसको एंड ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ मैं इसको, पता नहीं क्यों। एंड ये देखो ये घूमने वाला अटैक जो कि लगा ही नहीं इसको, भाई रुक जा पास आ जा यार, ऐसे पीछे मत जाया करो। ओके तो मैं मार रहा हूँ, रुको यार मुझे अटैक स्पैम करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है। एंड ये लो गाइस मैंने सिर पे एक मारा, 2 क्रिटिकल हिट। चलो चलो ख़त्म करते हैं इसको एंड ये लो इसका खेल ख़त्म। मैं अटैक स्पैम नहीं कर रहा था, रुक रुक के खेल रहा था तो मार नहीं पा रहा था इसको, बट अभी हम लापरवाही नहीं करेंगे। तो चलो गाइस इसको कूटते हैं, ये बैक वाला अटैक देख रहे हो कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा है। मैंने पीछे मुड़ के बस अटैक किया और बहुत ज़्यादा डैमेज डील किया इसको, अब फटाफट से इसको ख़त्म कर दे गाइस। एंड ये लो भाई थोड़ा बहुत और HP गया इसका, नीचे गिर गया ये, अब ख़त्म कर दे यार फटाक से, बहुत टाइम ले रहा है ये। और अरे भाई क्या था ये। सो चलो गाइस इसको हमने यहाँ पे मार दिया है, सो इस जेस्टर को मार दिया हमने एंड ये थोड़ा टाइम ले रहा था बट कोई ना। गाइज नेक्स्ट टूर्नामेंट भी इजी बता रहा है तो हम इसको भी फाइट पे टैप कर देते हैं। इस बार नया बंदा आया है फिंड करके, तो चलो इसकी भी बैंड बजाई जाए। तो ये भाई मैंने अपने ननचक्स निकाल लिए हैं, फाइट शुरू हो चुका है अब। सो चलो गाइज मारना शुरू करता हूँ एंड ये मैंने स्टार्टिंग में इसको कॉम्बो 4 मार दिया और लो भाई परफेक्ट के साथ जीत गया मैं। मैंने कहा था ना यार ये ननचक्स ऑसम है लिटरली भाई, मेरे को तो बड़े पसंद है ये। ठीक है चलो अब ख़त्म करते हैं इसको फिर से एक और बार, इस बार ये ब्लॉक कर रहा है मेरे अटैक्स को। कोई ना भाई तू जितना ब्लॉक करना है कर ले, इन दी एंड मैं मारूंगा ही तेरे को। सो ये लो भाई क्रिटिकल डैमेज, भाई हेल्थ गई उसकी, 10% HP बची और ये लो ये भी गया। बीच बीच में कभी कभी मेरा इंचेंटमेंट शुरू होता है ना तब मैं डैमेज देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ ले लेता हूँ मैं दुश्मनों। एंड गाइस मैंने यहाँ पे एक और टूर्नामेंट शुरू कर दिया है, वेलवेट नाम की ये बंदी फिर से आई है, चलो फिर से कूटा जाए इसको। ओके सो यहाँ पे ननचक्स निकाल लिए, भाई नहीं बचेगी तू मुझसे, रुक तेरे को बताता हूँ अभी। सो ये लो भाई अपने फर्स्ट 3 हिट इसको लगे, अच्छा खासा डैमेज मिल चुका है, इंचैंटमेंट शुरू हुआ है, मैं मार नहीं पाया यार, 5 सेकंड तक शुरू हुआ बट मैं एक भी हिट नहीं मार पाया। ये देखो गाइस ये कूद के मारने वाला अटैक मेरा फेवरेट है एंड इसको मैंने देखो बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया है, बस लास्ट एक हिट लग जाए और लास्ट पटक दिया लो ख़त्म। सो एक राउंड इसको हरा दिए, एक और राउंड बस इसको हराना है। ओके लेट्स सी इस राउंड में क्या होता है। सो चलो गाइस मैं बैक अटैक करने का सोच रहा था बट नहीं नहीं भाई इसने बहुत मारा, रुक जाओ बैक अटैक का आइडिया फ्लॉप हो गया। अरे ये मारे जा रही है, अरे भाई यही तो दिक्कत है साई का, अब नहीं छोड़ेंगे, अब मारने का मौका मिला है तो कूट देंगे इसको बराबर। इंचैंटमेंट शुरू हुआ, बस एक हिट मारने दे यार मेरे को, नहीं ये नहीं मारने देगी। एंड ये लो गाइस रॉक वाले स्किल ने हमको बचा लिया, क्रिटिकल खाने के बाद भी हम नहीं गिरे एंड इसी के साथ हमने इसका भी खेल ख़त्म यहाँ पे कर दिया है और हम लोग जीत चुके हैं ये वाला बैटल भी। सो गाइस ये जो नेक्स्ट बैटल है ये भी नॉर्मल बता रहा है तो क्यों ना इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। टूर्नामेंट का 18th स्टेज है ये और ये लो मैंने शुरू कर दिया, आयरन नाम का बंदा फिर आया है, अब बताते हैं इसको। चलो गाइस इसकी बैंड बजाया जाए, बस ट्राई करिए हमें ज़्यादा मार नहीं खाना है। और ये लो गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही 3 हिट लगातार इसको मारे, 4th हिट भी लग गया, इंचैंटमेंट शुरू हुआ, 1 हिट बस मारने दे, नहीं यार मैं नहीं मार पाया ढंग का 1 हिट एंड इसने मेरा आधे से ज़्यादा HP खा गया। भाई ये वेपन भाई मेरे छूट गए, लाती लात मारो अब इसको, मेरे वेपन्स गिरा दिए इसने, शॉक दे दिया मेरे को। ओके अब मैं लात से ही जितना हो सके इतना मारने की कोशिश करूँगा, ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। ओके ये लो कूद के एक लात पास आ भाई, तू तेरे को बताता हूँ, वेट अ मिनट गाइस इसको ख़त्म करते हैं फटाफट लास्ट से जितने जल्दी हो सके। और ये लो गाइस
मैंने कर्सर ऊपर करके डबल किक मारा और अपने वाले स्किल से इसको ख़त्म कर दिया। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा जिससे ये मेरे वेपन्स गिरा दे। चल चल मार मार मार, शुरू हो गया मैं गाइस कॉम्बो 3। और अरे वेट यार, इसने बहुत ज़्यादा है, आधी एच पी गायब कर दी इसने मेरी। अब नहीं, अब कोई मर्जी नहीं करनी इस पर। ये लो कॉम्बो 4, पास आ भाई, तुफे को बताता हूँ, आ जा। एंड गाइस कूद के मारा बट वो गिर गया था नीचे इसलिए उसको नहीं लगा। रुक जाओ, इसको मारते फटाक से, एंड इस बार भी नहीं लगा। ब्लॉक कर रहा है भाई मेरे अटैक्स को। ये लो मैंने क्रिटिकल मारा इसको, एंड इसके साथ इसका खेल ख़त्म। इसने तो भाई बहुत एच पी ले ली थी मेरी, बट इन दी एंड जीत गए हम लोग। सो गाइस अब मैं और टूर्नामेंट नहीं खेल पाऊँगा, यहाँ पे इनसेन बताने लगा यार, मतलब बहुत टफ है ये। तो एक काम करते, 10,000 कॉइन हमारे पास हो गए तो अपग्रेड करते अपने वेपन्स आर्मर और सबको। तो सबसे पहले मैं अपग्रेड करूँगा ननचक्स को, फिर आर्मर एंड देन हेलमेट, सबको अपग्रेड दे दूंगा। मेरा आर्मर ये रहा रेड डबल एट का, और ये अपना पॉइंटेड हेलमेट, तीनों को अपग्रेड देने का सोच रहा हूँ। तो चलो गाइस हम इन तीनों का ना अपग्रेड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ननचक्स को अपग्रेड दूंगा। ये लो भाई मैंने इसको अपग्रेड दे दिया, फिर अपना आर्मर इसको भी अपग्रेड दे दिया, और फिर अपना हेलमेट। सो चलो गाइस मैंने तीनों को अपग्रेड दे दिया है, अब 2 मिनट का वेट करते हैं। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस कुछ सेकंड्स और। ये लो भाई 5, 4, 3, 2 एंड 1, ननचक्स अपग्रेड हो चुके गाइस। फटाक से चलते हैं रेड डबलेट पे। ये लो ये भी अपग्रेड हो गया, अब पॉइंटेड हेलमेट, तीनों अपग्रेड हो गए। अब देखते हैं कि टूर्नामेंट क्या बता रहा है। कि देखे तो नॉर्मल बताने लगा, मतलब हम फाइट ले सकते हैं। तो चलो गाइस फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे फिड नाम का बंदा फिर से आया, फेंड ऐसा ही कुछ नाम है इसका। बाय द वे ये बैटल शुरू हो चुका है, तो कोशिश करूँगा इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की। ये लो भाई पहला हिट, दूसरा हिट, क्रिटिकल कॉम्बो 3, इंचेंटमेंट का भी एक हिट मार दिया मैंने इसको। एंड गाइस बहुत ज़्यादा डैमेज दे चुका हूँ मैं इसको। एच पी देखो इसकी कितनी कम हो गई है। ये भाई क्या जीतेगा हमसे, हम तो इसकी बैंड बजा दे अच्छी खासी। इधर आ, अरे अरे रुको रुको, थोड़ा बहुत डैमेज, अरे भाई वेट, इसको ख़त्म करना पड़ेगा वरना ये दिक्कत देगा। सो पास आ तू, और ये लो इसका खेल ख़त्म, एक राउंड जीत गए हम लोग। अब बस गाइस इस राउंड में इसको भाई हराना है। चलो स्टार्ट करते गाइस इसकी बैंड बजाना। और ये लो पहला हिट, दूसरा हिट, और कॉम्बो 3 मैंने मार दिया भाई इसको स्टार्टिंग में ही। चलो पास आ भाई, अरे अरे हेड हिट दे दिया इसने, अरे फिर से हेड हिट दे दिया हद है। अरे अरे भाई रुक रुक, मेरे को अटैक करने थे, क्या कर रहा है। ओके अरे पैर ही पैर पे मार रहा है, मेरे को गिरा दे रहा है गाइस बार बार ये। रुक जाओ, अरे पैर पे मारेगा तू ऐसे कैसे, इधर आ तू। ओके देखो कॉम्बो 3 मारा, एच पी बहुत कम है, और लो भाई बंदे का खेल खत्म। मेरे पैर ही पैर पे मार रहा था, मेरे को गिरा दे रहा था बार बार ये। चलो खैर गाइस, हम लोग का यहाँ पे लेवल 6 हो चुका है, नॉट बैड। यू हैव रीच्ड अ न्यू लेवल 6, योर स्किल हैव इंक्रीज्ड, स्किल बढ़ गया फाइनली हमारा। यहाँ पे प्रोफाइल पे टाइप करते हैं, नहीं ओके तो प्रोफाइल पे आ चुका हूँ मैं। गाइस मेरे गेम में ना बहुत अनवांटेड एड्स आ रहे हैं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता होगा तो ज़रूर से कमेंट में बता देना। बाय द वे यहाँ पे हमको 2 स्किल चुनने को मिल रहे हैं, एक है कोबरा और रॉक। असल में जो हमारे पुराने कोबरा और रॉक स्किल है ना, उसमें उनका लेवल अप होगा, और लेवल अप से क्या होगा, उनके होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ओके तो अब सोचते हैं कि हमको कौन सा सिलेक्ट करना है। तो देखो कोबरा तभी काम आता है जब मैं बैटल में फर्स्ट स्ट्राइक मारता हूँ, और उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन अपना जो रॉक है वो हर वक्त काम आता है, जब भी हम गिरने वाले होते हैं क्रिटिकल खाने के बाद रॉक हमको बचाता है। तो मुझे रॉक के चांसेस को इंक्रीज़ करना चाहिए, ये बहुत यूज़फुल आएगा फ्यूचर में भी। तो चलो गाइस मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि मैं रॉक को लेवल 2 का करूँगा, और मैंने इसको लर्न पे टैप कर दिया है। सो हम रॉक सीख चुके हैं लेवल 2 का। एंड देखो यहाँ पे नए वेपन्स खुल चुके हैं, हाँ याद आया हम 6 लेवल के हो चुके, तो ऑब्वियसली नए वेपन्स तो खुलेंगे ही। एंड यहाँ पे ब्लड रिपर नाम का एक ओपी सा वेपन है जिसे अभी मैं नहीं खोल सकता क्योंकि मेरे पास जेम्स नहीं है, तो हम इसे खोल तो नहीं सकते। तो एक काम करते हैं डैगर्स खरीद लेते हैं जो कि 2500 के है, और ये लो मैंने 2500 कॉइन में डैगर्स खरीद लिए। अब चलते आर्मर में, एक नया आर्मर भी खुला होगा ऑब्वियसली हम 6 लेवल के हुए। तो ये रहा भाई लेदर जैकेट करके एक आर्मर, ये नीचे वाला नहीं ले सकता, ये जेम्स के आते हैं, मैं सिर्फ कॉइन वाला ले सकता हूँ। तो चलो ये वाला भी मैं परचेस कर लेता हूँ, 3000 कॉइन्स का है अराउंड, इसको भी मैंने ले लिया। एंड अब बारी है हेलमेट की, ये हेलमेट नहीं ले सकते, ये वाला ले सकते हैं हम, जिसका नाम है क्लोज हेल्म, इसको परचेस कर लेता हूँ मैं। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने डैगर्स, आर्मर और हेलमेट तीनों परचेस कर लिया है, अब इनको इक्विप करते। वेट अ मिनट, टाइमर चल रहा है इन तीनों में, ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है।
अच्छा आई गेस गाइज इसमें ना इन वेपन्स को ये बना रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब ये इंस्टेंट परचेस नहीं हुए, इनको बनने में टाइम लगेगा फिर हमको मिलेंगे, तो वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ मैं। ऑलमोस्ट हो गया है, बस कुछ सेकेंड्स और। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3, 2 एंड 1, यहाँ पे हमारे डैगर्स बन चुके। आर्मर में चलते हैं, ये देखो लेदर जैकेट को बनने में टाइम है अभी। ये रहा गाइस हमारा नया वेपन डैगर्स, जिसका अटैक डैमेज है 105 का। यहाँ पे आर्मर भी बनने वाला है, देख सकते हो आप लोग 5, 4, 3, 2 एंड 1 गाइस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा ये भी खुल गया। अब चलते हैं हेलमेट पे। हेलमेट ये है क्लोज हेल्म, जो दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, स्कल टाइप लग रहा है। ये लो, ये भी हमारा ओपन हो चुका है। तो नया आर्मर आ गया, सब आ चुका है। इक्विप करते हैं, पीछे देखो अपना बंदा कैसे पहन रहा है इस आर्मर को। हेलमेट को भी पहन लेते हैं। एंड पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हो हेलमेट भी आ चुका है हमारे पास। ओके सो गाइस, नया वेपन आर्मर सब कुछ आ चुका है, अब इसको थोड़ा यूज़ करते हैं। ओके तो ये ऐसे चलता है, मैंने सर्वाइवल में कुछ बंदों को देखा है जो ऐसे पकड़े रहते हैं ये वाला वेपन। तो ओके तो ये ऐसे दो बार घुमाता है और फिर कूद के मारता है। चलो सही है यार, हेड पे लगेगा डायरेक्ट अगर पोजीशन सही रहा तो एनिमी का। ओके तो मैं थोड़ा सा इसको ट्राई कर रहा हूँ गाइस कि इसको यूज़ कैसे करें, क्योंकि हम लोग अभी डायरेक्ट फाइट लेने वाले बॉडीगार्ड से। ये देखो एंड फाइनल बॉडीगार्ड वो होगा, तो आई होप आई गेस वो ताकतवर होगा यार, आई होप हम उसको हरा दें आराम से। ये देखो ये कुछ ऐसा वर्क करता है, मैं इसको कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, गुलाठिया मार के कोई स्पेशल मूव नहीं, कोई स्पेशल मूव नहीं है। खैर गाइज अब चलते हैं हम लिंक्स के बॉडीगार्ड को हराने के लिए, जो कि होने वाला है अपना लास्ट वाला, और ये दोनों ही अब इजी बताने लगा है। मैं यहाँ पे फाइट पे टाइप कर देता हूँ ताकि हम लिंक्स के लास्ट बॉडीगार्ड को हरा सके। सो मैंने यहाँ पे भाई फाइट पे टाइप कर दिया है। एंड डैंडी नाम का बंदा है, इसका नाम डैंडी है। हॉनर एंड ट्रेडिशन, हाँ द ऑर्डर इज़ मेरे अ प्ले ग्राउंड फॉर मी, अ माइनर एम्यूजमेंट, अ वे टू होम, माई ऑलरेडी इम्प्रेसिव स्वॉर्ड स्किल। अच्छा तो ये कह रहा है कि इसकी स्वॉर्ड स्किल बहुत इम्प्रेसिव है, ठीक है। एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू शो माई स्किल्स टू यू नाउ, तो ये कह रहा है गाइस इसको खुशी होगी इसके स्वॉर्ड स्किल्स हमको दिखा के। सो चलो फाइट करते, देखते इसके स्वॉर्ड स्किल्स कैसे है। वैसे ये इसने भी कोई गलत बात नहीं कहा है, थोड़ा जेंटलमैन टाइप में बात कर रहा था, तो इसे भी थोड़ा प्यार से हराएंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे हमारा फाइट शुरू हो चुका है लिंक्स के एक और बॉडीगार्ड के साथ, जिसका नाम है डैंडी। लेट्स सी इसको हरा पाते कि नहीं। ये फाइट शुरू और मैंने इसको मारने का कोशिश बट नहीं लगा, कोई ना, अब एक और हिट मारा। सो गाइस मैं इसको 2 हेड हिट दे चुका हूँ, ये भी अच्छा खासा मार रहा है, बट गाइस मैंने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। HP देखो उसकी कितनी कम है। अभी फटाक से इसको ख़त्म करते, पास आ भाई तू, नया वेपन लेके आया हूँ ऐसे थोड़ी। एंड भाई ख़त्म, लो ये भाई तू बॉडीगार्ड बनेगा लिंक का, वो भी फाइनल वाला। एक राउंड हमने हरा दिया, एक और राउंड इसको फटाक से हराते। सो गाइस देखो एक हिट मारा मैंने इसको, दूसरा हिट भी मारा, ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाया, कूद रहा है भाई। गुलाठियाँ नहीं मारने का मेरे को, वैसे भी पसंद नहीं जो बंदे गुलाठी मारते हैं। तो इधर आ, ओके वेट। एंड गाइस ये देखो क्रिटिकल मारा मैंने उसको, HP उसकी फिर से कम कर डाली, और भाई सिर पे सीधा मारा, ये वाला सिर पे लगा था, एक और सिर पे लगा, और लो खत्म भाई। गाइस हमने यहाँ पे डैंडी को हरा दिया है, लोन बीस्ट करके हमको एक अचीवमेंट भी मिल चुका है, और इसी के साथ हमने लिंक्स के लास्ट बॉडीगार्ड को यहाँ पे डिफीट कर दिया है, और हम लोग जीत चुके हैं भाई ये वाला वर्सेस। I have grown bored of this life, the order. I wish to return to my true place, my seat of high power. But don't think that Lynx will be so easy. He will not fail. अच्छा हम Lynx को भी संभाल लेंगे यार। So guys, हमने finally Lynx के सारे bodyguards को हरा दिए, and यहाँ पे Lynx ने भी हमारा challenge accept कर लिया है। अब हम जब चाहे उससे fight ले सकते हैं, but अभी मैं इतना capable नहीं हूँ कि Lynx को हरा सकूँ, क्योंकि मेरे subscribers ने already मेरे को warn कर दिया है कि Lynx भाई बहुत ताकतवर है, उसके पास अलग अलग type के skills है, और जिनसे आपको बहुत परेशानी होगी उसको हराने के लिए। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं पावरफुल बनूंगा, ठीक है, पावरफुल बनूंगा, फिर मैं लिंक से लड़ूंगा। तो गाइज अभी मैं 6-7 दिनों तक ना ये जो ब्लड रिपन है ना उसको अनलॉक करने के लिए जेम्स इकट्ठे करने वाला हूँ, एंड ऑब्वियसली मैं ऐड देख के जेम्स इकट्ठे करूँगा, तो मेरे को 6-7 दिन लग ही जाएंगे, इसीलिए जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसको आने में टाइम लग सकता है, ठीक है, 6-7 दिन लगेंगे नेक्स्ट पार्ट को आने के लिए। लेकिन जब नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, हम जल्द से जल्द लिंक्स को हराने की कोशिश करेंगे। आई नो वो टफ होगा, बट गाइज
हम उसको हराने का पूरा ट्राई करेंगे। ये ब्लड रिपर नाम का वेपन किसी भी तरह अनलॉक करके रहना है हमको। एंड मैं ना कॉइन से अपने आर्मर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड कर दूंगा नेक्स्ट टाइम तक, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही ओपी वेपन है, इंचेंटमेंट भी कमाल का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अनलॉक करेंगे। आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।